बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली न्यूरॉन हैज टू पार्ट्स। The first part of the neuron is called neurites or nerve fiber. The second part of the neuron is called cell body. ठीक है ना। इस न्यूराइट और सेल बॉडी के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। सेल बॉडी और न्यूराइट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस ये है कि सेल बॉडी का जो स्मॉलेस्ट सेल बॉडी वो कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स होते हैं, और लार्जेस्ट सेल बॉडी 135 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह न्यूराइट जो है ना ये कंपोज्ड ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स होते हैं। इन दोनों का लेंथ जो है ना वो कितना होता है, मोर देन 1 मीटर्स होते हैं। इनका लेंथ जो है ना, डेंड्राइट्स और एक्सॉन का लेंथ मोर देन 1 मीटर्स होते हैं, ठीक है ना। डेंड्राइट बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि वो रिसीविंग ऑफ स्टिमुलाई और इंफॉर्मेशन या इम्पल्स को रिसीव करते हैं। वो किस तरह रिसीव करते हैं, इस टिपिकल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। ये इसका डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन्स है, ये टर्मिनल लोब आपो एक्सॉन्स होते हैं। लेकिन जो डेंड्राइट्स होते हैं इसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर मैसेज को या इम्पल्स को रिसीव करती हैं। एक न्यूरॉन जो है ना मोर देन 10,000 आप इम्पल्स को रिसीव करती है। एक न्यूरॉन किसके जरिए से, डेंड्राइट के जरिए से वो मैसेज रिसीव करती हैं, ठीक है ना। जब ये डेंड्राइट्स इम्पल्स को या स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ये डेंड्राइट मैसेज फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के ऊपर इर्द गिर्द क्या होता है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, नेसल सब्सटेंस मौजूद होते हैं। नेसल सब्सटेंस एक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। दिस आल्सो कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं, न्यूरोपेब्रिल भी मौजूद होते हैं, माइक्रोपेलामेंट्स भी मौजूद हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मौजूद होते हैं, लाइसोसोम भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और लिपोप्यूसिन्स एक प्रोटीन है, पिगमेंट प्रोटीन है, मटीरियल है, ठीक है ना, ये भी प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना जी। ये सेल बॉडीज से जो एक एक्सॉन की तरफ एक प्रोसेस अराइज होते हैं उसको एक्सॉन हेलिक कहते हैं। इस एक्सॉन हेलिक में ये नेसल सब्सटेंस या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, नहीं होते, ठीक है ना। ये डेंड्राइट्स और सेल बॉडी का, जब ये डेंड्राइट्स मैसेज क्या करती है, फॉरवर्ड करती है टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है ना। फिर सेल बॉडी का फंक्शन क्या होता है, सेल बॉडी रिसीव इम्पल्स आर स्टिमुलाई फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड देन फॉरवर्ड टू द एक्सॉन, एक्सॉन की तरफ ये मैसेज या स्टिमुलाई या इम्पल्स क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब एक्सॉन की तरफ आते हैं। एक्सॉन when receive stimuli from the cell body, then exon forward the stimuli to the terminal lobe या एक्सोनल लोब, ठीक है ना। इसकी तरफ क्या मैसेज फॉरवर्ड करती हैं,
ठीक है ना, इसमें क्या चीज़ फॉरवर्ड करती है, कंडक्शन करती हैं, ठीक है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर इसके अंदर जाती हैं, कहाँ पर आती है, टर्मिनल लोब ऑफ एग्जॉन की तरफ आती हैं। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर किस तरह जाती हैं, ठीक है ना, इसके अंदर इसका जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं, ठीक है ना, वो किस तरह डिवेलप हो जाते हैं। अच्छा, न्यूरॉन इज फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोलर। न्यूरॉन इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है ना। यूनिपोलर न्यूरॉन, इसको यूनिपोलर न्यूरॉन इसलिए कहते हैं कि ये एक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं इन विच ओनली वन प्रोसेस कॉल्ड न्यूराइड्स, इसके सिर्फ एक प्रोसेस होते हैं। क्या, कौन सा प्रोसेस है, या एक एक्सटेंशंस होते हैं, वो एक्सटेंशन क्या है, ये है। इस एक्सटेंशन या इस प्रोसेस में एक साइड पे एक्साडेंड्राइट्स होते हैं और दूसरे साइड पे क्या मौजूद होते हैं, एग्जाम्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। दूसरे है बाईपोलर न्यूरॉन, इसको बाईपोलर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं विच हैज़ टू एक्सटेंशंस, वन एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, इसका जो एक एक्सटेंशन है वो क्या है, एक्सॉन की तरफ है, दूसरा एक्सटेंशन डेंड्राइट्स की तरफ होता है, इसलिए इसको बाईपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तीसरा है मल्टीपोलर, इसके एग्जोन से मुख्तलिफ किस्म के पोल अराइज होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। मैंने कहा था कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्व प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि नर्वस सिस्टम इसका जो क्लासिफिकेशन था मैं वो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। नर्व सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है ना। नर्व सिस्टम, हमारा जो नर्व सिस्टम है वो कितने न्यूरॉन से बना हुआ होता है, मोर देन 10 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स विल फॉर्म आवर नर्व सिस्टम्स, ठीक है ना। इस नर्व सिस्टम में दो तरह के, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये न्यूरोग्लियल सेल्स भी मौजूद होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल इज बेसिकली ए सपोर्टिंग सेल्स है, सपोर्टिव सेल्स ऑफ द नर्व सिस्टम्स है। ये सपोर्टिव सेल या न्यूरोग्लियल सेल्स मेनी टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन से कई गुना ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों क्या बनाते हैं, नर्व सिस्टम। और नर्व सिस्टम प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने इसका जो क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है ना, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिस्कस करता हूँ और साथ में पेरिफेरल नर्व सिस्टम भी इसके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। कि ये नर्व सिस्टम में मैंने कहा कि कंटेंट सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व। सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन आते हैं एंड स्पाइनल कार्ड आते हैं, लेकिन इस स्पाइनल कार्ड से क्या अराइज होते हैं, स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं, ठीक है ना, स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं। अगर ये स्पाइनल कार्ड का आप डाइसेक्शन कर ले, ठीक है ना, ये स्पाइनल कार्ड अगर आप इसकी डाइसेक्शन कर ले फिर इस तरह देखें तो आपको ये नज़र आएगा, ये स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आएगा, ठीक है ना। स्पाइनल कार्ड इज कोट बाय ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजीज। मेनिंजीज हैज थ्री लेयर्स, डूरा मैटर, अरेकनाइट मैटर एंड फाइव मैटर, ठीक है ना। लेकिन इस स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं, क्या नर्व्स, ये अराइज होते हैं, स्पाइनल नर्व्स है।
ये डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ये वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ये वेंट्रल रूट और डार्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स विल फॉर्म अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ठीक है ना। ये डार्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट्स होते हैं, वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड ए एच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शेप प्रेजेंट्स होते हैं, जिसके दो प्रोसेस होते हैं, डार्सल हॉर्न्स एंड वेंट्रल हॉर्न उसको कहते हैं, ठीक है ना। ये एच इसको ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है ना, ग्रे मैटर, और ये इस पार्ट को वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक सेंट्रल केनाल मौजूद होते हैं, इस सेंट्रल केनाल कंटेन्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, ठीक है ना। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होते हैं, इट हेल्प्स इन द नरिशिंग ऑफ द नर्व टिश्यू, ठीक है ना। ये नर्व टिश्यू को क्या प्रोवाइड करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम का जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व से ये न्यूरॉन किस तरह एराइज होते हैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है ना। एक स्पाइनल नर्व है ये भी, मतलब इसका अगर आप डिसेक्शन कर लें तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने इस तरह ड्रा किया हुआ है कि दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इस स्पाइनल नर्व्स में क्या मौजूद होते हैं, बंडल ऑफ फिजिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व्स कंटेन बंडल ऑफ फिजिकल मौजूद होते हैं, इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन्स होते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम इपिन्यूरियम कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स से इर्द गिर्द का जो मेम्ब्रेन होता है उसको इपिन्यूरियम कहते हैं, ठीक है ना। और इस एक फिजिकल ये है, दूसरा ये इस तरह, इसके बीच में जो ब्लड विसल्स मौजूद होते हैं, ब्लड विसल्स आर्टरी ओवेंस प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। अगर एक फिजिकल को, ये क्या है, फिजिकल है, ठीक है ना। इस फिजिकल में इसके इर्द गिर्द एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना। इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को पेरिन्यूरियम कहते हैं, ठीक है ना, पेरिन्यूरियम कहते हैं। फिर इस फिजिकल में के अंदर नर्व फाइबर प्रेजेंस होते हैं, और नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम एंडोन्यूरियम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। और फिर एंडोन्यूरियम से न्यूरॉन अराइज होते हैं, ठीक है ना। वो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड न्यूरॉन हो या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, ठीक है ना, उसको हम श्वान सेल जो कंटेन करते हैं माइलिन शीथ पर, ठीक है ना। और इसके जो जिस उस न्यूरॉन के थ्री पार्ट्स होंगे, कौन कौन से पार्ट, डेंड्राइट सेल, बॉडी एक्सॉन और इसका जो टर्मिनल लोब होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है ना, और न्यूरोट्रांसमीटर, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।